और भाई छोटा सा मंदिर है इसलिए एडजस्ट होकर बैठना पड़ेगा। और इधर पूजा चल रही है, पंडित की पूजा करेंगे आराम से। और यहाँ पे हमने रख लिया डोरी का भी मेरी ये रखी। चलो भाई बहुत बढ़िया। राम जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू व्लॉग गाइस। और गाइस आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और इसी अवसर पे हम आ चुके हैं बाहर निकल के मस्त घूमने के लिए। और गाइस आपको भी घुमाते हैं। और गाइस मस्त जैसे भी बाहर यहाँ पे गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट हो रही होगी उसे आपको दिखाऊंगा। एंड गाइस मस्त थोड़ा बहुत मंदिर भी जाएंगे गणेश जी के और दर्शन करेंगे और उनके आशीर्वाद लेके आएंगे। और गाइस बाकी सामने आपको सनसेट दिखा दूँ कितना प्यारा आ रहा है और फिर आगे चलते हैं। ठीक है गाइस चल देख रहे कितना प्यारा सनसेट हो रहा है भाई साहब। मंदिर देखते देखते तो थक गए तो अब आपको रोड पे जो मूर्तियां लगाई है ना भाई गणेश जी वो दिखाता हूँ प्यारी प्यारी। और भाई लौंडा भी मेरे साथ है, पीछे मेरा दोस्त है, तो मस्त हम घूम रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलो हम यहाँ पे खड़े थे, हमारा खाने का मन करके जो है बुड्ढी के बाल। और भाई बेचारा यार ये इतने प्यारे तरीके से बेच रहा है तो चल ले ही लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दो दे रहे भाई, दो दे रहे, 10 रुपये के गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ले लेते हैं। इसकी बिक्री हो जाएगी और बेचारा खुश हो जाएगा। देख रहे लड़का खुश हो गया भाई, है शर्मा गया भाई। चलो ठीक है भाई, ओ ले ले भाई ले, खाते हैं मस्त और से पे करते हैं। ओ भाई इसने पूरा निपटा भी दिया। चलो भाई मैं भी खाता हूँ और फिर आगे और चलते हैं और दिखाते हैं गणेश जी। गाइस देख रहे हो भाई हाईवे का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। गाइस अभी हम बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा हाईवे ट्रैवल करना पड़ रहा है। बाकी देख रहे हो हाईवे पे भी ट्रैवल करने में मजा आता है गाइस। हरिद्वार के हाईवे एकदम एक नंबर बन चुके फाड़। देख रहे हो हम कितनी दूर आ गए यहाँ पे, जर्स कंट्री के पास आए हैं। और भाई ये देखो काफ़ी सारी स्टॉल्स लगाई हुई हैं इधर और लोग लेके जा रहे हैं गणेश चतुर्थी के इस अवसर पे। ओ भाई ये डॉक्टर वाली बहुत फेमस चल रही है आजकल, देख रहे हो। ये देखो भाई शिव जी के अवतार में, बहुत ही गजब, बहुत प्यारे। तो भाई अभी भैया बता रहे हैं कि पीछे आगे भैया और भी है ना, है ना आगे बहुत बड़ी बड़ी बता रहे हैं कि गणेश जी की मूर्तियां रखी हुई हैं तो वहां पे भी जाते हैं और मस्त आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा आगे जाना होगा, थोड़ा सा आगे जाना ना भैया। हां यार पंपे से आगे। अच्छा चलो गाइस और बाकी आपको यहां की दिखा दी भैया ने, बहुत भैया बहुत प्यारी रखी हुई है आपने यहां पे, बहुत ही अच्छे। और गाइस बाकी अभी चलते हैं, चलो आगे दिखाते हैं। देखो गणेश जी की एक और मूर्तियां लेके जाते हुए ढोल बजा के। ओए ओए भाई साहब बहुत बढ़िया। ऐसा एरिया जहाँ पे थे सब लेके जा रहे हैं, बड़ी से बड़ी छोटे से छोटी जैसी भी आपको मूर्तियाँ लेके जानी हो गणेश जी की विसर्जित करने के लिए वो है यहाँ पे अवेलेबल होंगी। बाकी मैं दिखाता हूँ सामने से, इतनी प्यारी प्यारी यहाँ पे मूर्तियाँ गणेश जी की और भाई एक नंबर है। बाकी देख रहे हो पीछे देखो, दिखाता हूँ रुको सारे दिखाता हूँ, रुको जरा सबर करो। देखो ये 3-3.5 फीट की है भाई ये गणेश जी की मूर्ति और जो कि इतनी प्यारी लग रही है। एंड ये जो दो है ना यहाँ पे रखी और भाई ये दोनों तो 5-5 फीट की हैं। देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे गणेश जी भाई इसमें बैठे हुए मस्त तरीके से, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं भाई, बहुत ही प्यारे, इसीलिए बोलो गणपति बप्पा मोरिया। देख रहे हो यहाँ पे टेम्प्ररी बनाए गए हैं, ये तो आज मूर्तियाँ लगाई है ना मारती मूर्तियों की दुकान है। और भाई कितने प्यारे लग रहे हैं देख रहे हो यहाँ पे भाई, कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देख रहे हो भाई साहब, बोलो गणपति बप्पा मोरिया। और कितने अच्छे तरीके से सजाए हुए हैं गणपति बप्पा जी को, ये आप इसमें देख सकते हो। यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे बना दिए गए हैं और इन पे कलर किया जा रहा है, ये देख रहे हो मस्त तरीके से। अभी इन पे कलर कर देंगे, डेकोरेट कर देंगे तो फिर लोग इन्हें भी लेके जाएंगे आराम से। अभी अब हम आ चुके हैं जहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी है बहुत प्यारी प्यारी। और भाई ये देखो भाई साहब बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, अभी देखो मेरे इधर भी है पीछे भी है और भाई पीछे बना भी रहे हैं, अभी नहीं बना रहे अभी तो ये बना के रेडी कर दी, अब तो लेके जा रहे हैं तो इन्होंने पहले बना के रखी हुई हैं। भाई दिखाता हूँ सामने से व्यू प्यारा भाई, कितना प्यारा और भाई कितनी अच्छी वाइब्स आ रही है अंदर, पॉजिटिव वाइब आ रही भाई। और आपको मेरे ब्लॉग के थ्रू आपके अंदर भी आ रही होगी भाई गणपति बापा की इस अच्छे पर्व पे गणेश चतुर्थी पे। हम आ चुके हैं 7 फीट वाली जो मूर्तियां हैं ना यहाँ पे ये वाली, और ये देखो इन पे गणेश जी के फेस पे चुनिया लगा दी क्योंकि इसे लेके जा रहे हैं अभी।
चुनी लगाने का कुछ रीज़न है गाइस, मेरे को ही नहीं पता, आपको बताओ तो बता देना, क्योंकि गलत नहीं बताना चाहता है ना। देख रहे हो इसमें गणपति बापा को नंदी जी के ऊपर बिठाया हुआ दिखाया गया है। देख रहे हो सबसे बेहतरीन, वन ऑफ दी बेस्ट मूर्ति है भाई ये यहाँ की, गणेश जी की 7 फिट की है अभी, पर बहुत ही बेहतरीन भाई। और ये भी है देखो भाई साहब, देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ से व्यू, अरे भाई साहब बहुत ही प्यारा आ रहा है। देखिए गाइस महादेव जी के अवतार में गणपति जी को दिखाया गया है, नंदी जी ने उठाया हुआ है भाई साहब, क्या व्यू आ रहा है ना। आपको बिल्कुल पीछे लेके आ गए जहाँ पे मूर्तियों को कलर किया जाता है ना, ये देखो सारे वाटर कलर है भैया बता रहे हैं, और ये अलग अलग तरीके के जैसे भी जिस मूर्ति में जैसे जैसे कलर चाहिए होते हैं वो यहाँ पे कर देते हैं। और भाई कलाकार तो है ही, आप ही करते हो ना अंकल जी, सब अंकल जी करते हैं भाई साहब, देख रहे हो। और बहुत प्यारे तरीके से आपने सामने देख ली कितने प्यारे तरीके से मूर्तियाँ सारी कलर की गई हैं, और इन सब का ही कमाल है, जो बैकग्राउंड में आपको गंदा लग रहा है वहीं फ्रंट एंड में अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसी इतनी मेहनत लगती है। कितना टाइम लगता है अंकल जी एक मूर्ति को कलर करने में? एक मूर्ति कलर करने में 7 फीट की, 7 फुट में लग जाते हैं, 3 दिन 4 दिन। 3 दिन 4 दिन जी एक मूर्ति को? हाँ। तो आप कितने टाइम से बना रहे हो इन्हें? हमको हो गए 6 महीने। 6 महीने से लगातार बनाए जा रहे हैं? हाँ। अभी भी तैयार कर रहे हो कोई? हाँ। अरे यार हिम्मत है भाई साहब, है ना भाई साहब, 3 दिन में एक मूर्ति और बाकी 6 महीने में भाई साहब, देख रहे हो। तो भाई कलाकारी बिल्कुल बारीकी से की गई है, तो आप समझ सकते हो कितना टाइम, काफ़ी टाइम टेकिंग है भाई, देख रहे हो। आपको सामने से दिखेगा कितना अच्छा लगता है, पर पीछे जो मेहनत होती है वो तो भाई नहीं पता होती है, जो आपको बता दिया आज मैंने, आपको सारे दिखा दिए, इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ यहाँ पे हैं भाई, सारी जगह आपको मस्त घुमा दिया। और अब चलते हैं और थोड़ा सा भाई खाते पीते, क्योंकि भाई बहुत थक गया और भाई काफ़ी दूर आए थे और भाई गर्मी बहुत लग गई और अंधेरा हो गया इस बार। देखो अभी 7:30 बज रहे हैं, तो भाई थोड़ा आगे चलते हैं और फिर थोड़ा मौज मस्ती तो अपनी रहेगी, ठीक है भाई। देख रहे हो इसे भयंकर टेम्परेरी जुगाड़ भाई, देख रहे हो लाइटनिंग वाइटनिंग नीचे कितनी प्यारी लग रही भाई, अभी हम चल ही रहे थे और भाई देखा ना तो मैंने कहा चलो ठीक है आपको भी दिखा देता हूँ, सही लग रहा है ये इंतजाम, महंगे कोई ठोक भी नहीं सकता पीछे से, दूर से पता लग जाएगा कि आ रहा है। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा किंग पे, जो कि आर्य नगर चौक के पास है, और हम यहाँ पे भाई 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर मार दिए हैं, जो कि एक है अनियन किंग पिज़्ज़ा और एक है मार्गरेटा पिज़्ज़ा, और यहाँ पे हमारा दोस्त, ये दोस्त हमारा भाई हमारी जान यहाँ पे ऑर्डर करता हुआ ऑर्डर दे रखा है, और अब बस रेडी हो रहे हैं फिर मस्त चल के आएँगे गंगा घाट पे, और वहाँ पे मस्त पेप्सी वेप्सी के साथ पियेंगे। अच्छा यहाँ पे सारे में बस फास्ट फूड ही फास्ट फूड है, मामा एग स्टॉल, मेवाड़ प्रेम, भोला शुद्ध शाकाहारी, भाई ये हर जगह मिल जाएगा भोला शुद्ध शाकाहारी, और ये भोला लौंडा है कौन, मेरे से जरूर मिलना है। यहाँ पे अनियन पिज्ज़ा तैयार हो रहा है, और उधर मार्गरेटा, और ये वाला भैया ये भी मार्गरेटा ही है, अच्छा अनियन, ओके 3 दिन पिज्ज़ा एक साथ तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। हमारे पिज्जा तैयार हो गए, कौन सा इसमें मार्गरेटा भैया और कौन सा अनियन है? अच्छा, और मस्त यहाँ पे कटिंग चल रही जिससे कोई लड़ाई ना हो भाई पीस को लेके। मस्त यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे जहाँ पे पार्क है ना, मैं आपके पहले भी आया हूँ, और आगे तो घाट है मस्त, आगे पूरा एरिया है बैठने का, तो हमने कहा यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है तो यहाँ पे बैठ के मस्त हमारा पिज्ज़ा वीज़ा चलेगा, और थम्स अप और कोको कोला भाई मज़ा आने वाला है, एंड स्प्रिंग रोल वगैरह बहुत कुछ है, और लोंडा वहाँ पे हमारा पता कहाँ क्या गया है मछलियों को आटा देने के लिए, तो भाई बहुत अच्छी बात है, ये भी देना अच्छी है ना, बाकी मस्त इन्जॉय करते हैं भाई, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हाय हाय क्या व्यू आ रहा है, देख लो पीछे से व्यू कितना बेहतरीन आ रहा है भाई, ये लड़का किस्तों में दे रहा भाई, ओ भाई कर दे मछलियाँ भूखी होंगे भाई, भाई गुस्से में दे रहा भयंकर, आटा तेरे घर का ख़त्म हो गया क्या कहीं, ऐसे तो गुस्से में चढ़ा रहा यार, गंदी बात है ना। बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया। और थिंग जो भी हम यहाँ पे खाएंगे कूड़ा कूड़ा फेंक के जाएंगे गाइस, साथ में लेके जाएंगे इस पन्नी में, बड़ी पन्नी में, और घर जाके हम ना डस्टबिन में डालेंगे, या फिर वो वहाँ पे डस्टबिन है, वैसे वो भी नहीं करेंगे, घर में लेके जाएंगे और घर में जाके आराम से फेंकेंगे फिर अपने डस्टबिन में, बाकी अब इसे ख़त्म करते हैं फिनिश करते हैं, क्योंकि बहुत ही भूख लग रही है गाइस, मस्त ओपन कर लिया ये लौंडा खाया जा रहा है यहाँ पे। चलो गाइस मैं भी खाता हूँ आराम से ये मार्गरेटा, चलो मज़ा आ गया भाई अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ बैठ के, अपने दोस्त के साथ बैठ के भाई, जो अपने बचपन में साथ रहते थे ना, आज उसके साथ बैठ के यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, और मस्त भाई अभी अब क्या खाएंगे हम, स्प्रिंग रोल और पिज़्ज़ा, तो दोनों ने सफ़ा कर दिया दोनों ने बहुत जल्दी, और पेट भी भर गया भाई, ऐसा लग रहा है पेट पूरा फुल ही हो गया, बट कोई बात नहीं अभी रखे तो अभी खाएंगे, गर्मा गर्म हो रहे हैं, बाकी जो भाई सीन हो रहा है देख लो बहुत ही बढ़िया माहौल हो रहा है भाई, जाते हुए आपको दिखाऊंगा पूरा गाइस पूरा पार्क, जब मैं बाहर जाऊंगा ना एग्जिट करूंगा फिर दिखाऊंगा, यहाँ पे नाइट में कितना बढ़िया व्यू आ रहा है ना यार, सेम बेहतरीन व्यू आ रहा है भयंकर, देख रहे हो सब यहाँ पे झूले वूले झूल रहे हैं, और बस चलते हैं हम, और भाई ये तो भयंकर मुंडी छुपा लेता है भाई, जैसे भी ऐसा लगता है ना ब्लॉग बन रहे हैं, वैसे ही भाई तू दिख गया भाई, हो गया तो वायरल।
सो गाइस बस अब चलते हैं भाई, बहुत मौज मस्ती कर ली और अब हो गए 8:30 और चलते हैं भाई मस्त। होप करता हूँ आपने इन्जॉय किया होगा, मैंने तो किया है, मैंने तो बहुत मज़े ले लिए। ठीक है, बाकी गणपति बप्पा मोरिया करके चलते हैं। यहाँ पे भी गणेश जी की मूर्ति रखी जा रही है अंदर विसर्जित करने के लिए। बहुत बढ़िया स्थापित की जा रही है और सब गाँववासी इकट्ठे होते हुए देख रहे हो, पंडित जी यहाँ पे पूजा करते हुए और गणेश जी की मूर्ति को स्थापित हो रही है। और ये बिस्किट आ गए भाई, विधि विधान से पूजा होगी और फिर यहाँ पे स्थापित की जाएगी। अंकल जी करो पूजा करने के लिए बैठ गए मस्त। और भाई छोटा सा मंदिर है इसलिए एडजस्ट होकर बैठना पड़ेगा और इधर पूजा चल रही है, पंडित जी पूजा करेंगे आराम से। और यहाँ पे हमने रख लिया डोरी का भी ये रखी। चलो भाई करते हैं पूजा। ठीक है पंडित जी चलो करो स्टार्ट। सबको यहाँ पे पैसे की कमी पड़ गई थी इसलिए पैसे मंगा लिए। लो पंडित जी, पंडित जी सर्वा रहे यहाँ तो है। कोई नहीं आप मन लगा पूजा करो और यहाँ दुनिया को हम दिखा रहे हैं। चलो निखिल नाम भगवान जी को माला बनाते हुए गणपति बप्पा मोरिया समर्पयामि पंडित जी यहाँ पे टीका करते हुए सबका, जितने भी है भाई सबको टीका करेंगे यहाँ पे। अब आज सबसे पहले लाइन में लग गया बेटे टकले। ये देख लो कितना उससे भाई करा रहा है। महादेवा चल भाई आरती करो आरती करो आरती करो। गाँववासी आरती लेते हुए मोरिया 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 बप्पा मोरिया मोरिया। मिलता हूँ यहाँ पे मिठाई और वहाँ पे बच्चों के लिए टॉफी दे है। ओ भाई टॉफी बिस्किट वगैरह सब कुछ जा रहे थे यहाँ पर। ये बड़ों के लिहाज नहीं कर रहे, छोटे बच्चे बता रहे हैं अपने आप को। टॉफी के लिए यहाँ पर छोटे बच्चे बताया जा रहा है अपने आप को। बड़े बच्चे भी छोटे बच्चे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। 28 साल की महिला टोफिया लेके जाती हुई प्रचार के तौर पे, क्योंकि ये बरसात है छोटे बच्चों का। इस गांव के मंदिर में हमने स्थापित करा दिया है गणेश जी की मूर्ति को और गाइस फिर हम उसे 9 या 11 दिन के बाद हम विसर्जित करने जाएंगे। तब तो बहुत अच्छा मजा आएगा और पूरा व्लॉग शूट करेंगे गाइस। बाकी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और गणेश चतुर्थी का पूरा उत्सव मैंने दिखा दिया और जो मौज मस्ती अपने दोस्त के साथ की वो भी दिखा दी गाइस। होप करता हूं आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो जरूर से जरूर शेयर कर देना जितना हो सके। एंड गाइस अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को राम राम जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye-bye!